viewers, you're watching Good Morning Northeast with me, Devajyoti Dasgupta. That I would be joined by a guest this morning, who's here not to sing, because usually what happens, we get acquainted with people who renders the soulful voice. But this morning, we decided to be a little hatke, because we have seen that there are so many flats coming up, there are so many properties, because people seems getting richer day by day, and it seems that they just want to live a lavish life. And to live a lavish life, it's very important that we decorate our house in a way that we really want that to, because we spend in so much of money, and we at times we don't have so much of time, and we cannot really look into the nook and corner of the house. So who do we hire? We hire an interior designer who helps us to just maintain the house, rather to just come up with a beautiful designs of the house. And dear viewers, I'm talking about a personality this morning who's here with us to give some wonderful tips to all my viewers, and including me, although I don't have any plan to buy a house or a property at the moment. So viewers, without any further ado, let me roll the camera to my guest this morning, who is an amazing interior designer, Preeti Sohoria Goswami. Good morning. Hello, good morning. So how are you, by the way? I'm very good. Very good? Yeah. Okay, so Preeti ji, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आके सुबह सुबह जुड़ गई है. आई नो ये बहुत मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल के लिए, खास करके बिल्कुल सुबह उठ के सज धज के फिर स्टूडियो में आके इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल होता है, बट आपने कॉन्सेंट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल प्रीति जी, सबसे पहले सवाल जो है मेरे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग ही क्यों और कोई प्रोफेशन क्यों नहीं? क्योंकि मेरा शुरू से ये हॉबी, इट वाज जस्ट लाइक ए हॉबी. मुझे घर सजाना अच्छा लगता था, और आई मेड माय हॉबी एज ए प्रोफेशन. और दैट्स बट ये हॉबी टर्न इनटू अ पैशन, टर्न इनटू अ प्रोफेशन. एग्जैक्टली, दैट्स लवली, दैट्स रियली ग्रेट. ओके प्रीति जी, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, अगर हम देखा जाए तो दोनों के तालमेल जो है, दोनों सेम पैरेलल रास्ते पे चलते हैं. Exactly, both are incomplete to each other. तो ये इंटीरियर डिजाइनिंग की जो एक प्रथा है, इंटीरियर डिजाइनिंग की जो एक डिमांड है मार्केट पे, वो कुछ ही सालों से हमने देखा है कि वो ज्यादा बढ़ गया है. हाँ, क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि स्पेस, हाउ टू यूटिलाइज द स्पेस. पहले जैसे आर्किटेक्ट अपना बिल्डिंग बना देते थे, दे डिडंट सजेस्ट वेयर टू प्लेस द बेड, वेयर टू प्लेस द अलमीरा. अभी व्हाट वी डू, वी गिव प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एवरी ईच एंड एवरी फर्नीचर. लाइक कहाँ पे आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, ताकि आपका कम स्पेस में एक प्रॉपर सेटिंग, आई मीन प्रॉपर जो बेडरूम सेटिंग हो गया, ड्राइंग रूम कम्प्लीटली, पूरा सेटअप आप करके देते हो. जो है वो हम लोग करके देते हैं. नॉट ओनली सेटअप, वी डिजाइन फर्नीचर्स, वी डिजाइन सीलिंग, वी चूज द कलर ऑफ द रूम अकॉर्डिंग टू द थीम. फिर वी डू फ्रॉम जीरो टू यू कैन से 100. ओह लवली. ओके, तो आप मुझे ये बताइए फिलहाल कि आपने इंटीरियर डिजाइनिंग कहाँ से की है? आई डिड इन 2003 फ्रॉम दिल्ली, NIFD. NIFT. ओके, दैट्स लवली. और आपने कोर्स खत्म होने के बाद, क्योंकि ये सारे जो टेक्निकल कोर्स हैं, इनको आप इन लाइफ एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि आप कॉलेज में जो सीखते हैं वो ठीक है, बट देन आप जब तक अपने हाथों से वो काम नहीं करोगे, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली, इट्स बेसिकली एन ऑन जॉब ट्रेनिंग. एग्जैक्टली. तो आपने ये प्रोफेशनली कब से शुरुआत की इसकी? I started very early, like in 2005, एक साल के लिए मैंने दिल्ली में काम किया under an architect. Then I came back to my hometown, Guwahati. फिर तब से I'm here. उस टाइम पे मतलब रिस्पॉन्स कैसे थे लोगों के? It was slow. It was slow. क्योंकि उस टाइम पे बस सबको, जैसे आपने कहा, इंटीरियर डिजाइनर क्या है, क्यों चाहिए, पीपल जस्ट गॉट टू नो कि हाँ, वी शुड हायर इंटीरियर डिजाइनर फॉर बेटर लिविंग, यूटिलाइजेशन एंड स्पेस, एग्जैक्टली, लिविंग अ मॉडर्न लाइफ, लिविंग अ मॉडर्न लाइफ विद फुल फैसिलिटीज. एंड तो तब से जाके अब तक बहुत यू कैन से चेंजेस. Everybody want मुझे एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है फिलहाल, एक सवाल. देखिए 2005 तक अगर हम देखे, ग्राफ देखे, तो उस टाइम पे ये सारे प्रोफेशंस जो है उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था. और खास करके
although quote unquote there is no differentiation at all, lekin ek ek aurat ke liye, ek lady ke liye, to go out there and choose a, agar doctor engineers hote to acha theek hai chalo wo kafi saalon se chalti aa rahi hai ek pratha, that's okay fine, but then hamare liye ek mohatarma ke liye, ek aurat ke liye jaake ek interior designer banna to deal with jaise ki aapne bataya ki aapko ek like you know the one who constructs ek labor se leke exactly. painter se leke aapko sabke sath deal karna padta hai, it's not easy profession I must say. Aapne wo glass ceiling kaise toda, matlab glass ceiling as in wo jo ek shell mein qaid thi aap ki nahi matlab mujhe ye sari cheeze jo hai ye concept jo hai mujhe isko todna hai abhi, aapne usko kaise kiya? Matlab it's not tough for us, it's not like only boy can choose this profession, we can't it's not like why should boys have all the fun exactly it's not like that even lady interior designers are more successful. Yahan pe mera ek aur cheez jo sawal hai aapse abhi interior designing jab hum baat karte hain interior designing sirf ek waqt tha theek hai chalo fir humko ghar sajana hota hai lekin abhi interior designing ke andar aur bahut sare aspects aa gaye hain jaise ki landscaping ek bahut bahut badi important cheez hai landscaping terrace gardening तो वो सब आप कैसे करते हो बेसिकली आप जब कोई अगर क्लाइंट आपके पास आता है आने के बाद वो अगर आपसे कहते हैं कि चलो मुझे ये सारे चाहिए लेकिन उनके पास स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप उनसे कैसे डील करते हो? दैट्स आवर टारगेट हाउ टू डील विद द स्पेस हाउ टू डील विद द लेस स्पेस एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि सपोज कुछ एक प्रॉपर्टी है जो क्लाइंट है आपके पास जो आए हैं उनका एक बिल्कुल अलग ही नज़रिया है, सपोज उनके पास एक बहुत ही छोटा सा एक प्रॉपर्टी है जिसको वो शायद ताजमहल क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत मिला है बहुत मिला है लेकिन आप वो सारे कस्टमर्स को डील करना क्रैक करना मुश्किल होता है वेरी टफ समटाइम हाँ जैसे एक 2 BHK है और 3 BHK उसमें उसमें सब कुछ चाहिए मतलब सब कुछ मीन्स ही नहीं रहे प्रेस प्रेस करने का टेबल भी चाहिए वॉशिंग मशीन चाहिए बैल्कनी भी चाहिए फ्री मतलब ही नीड एवरीथिंग बट ही डोंट अंडरस्टैंड कि स्पेस तो उतना ही है उसी में हम लोग को मतलब प्रोवाइड करना है हर चीज़ और घूमने फिरने की जगह भी होनी चाहिए होना चाहिए मतलब होता है ऐसा प्रॉब्लम वी फेस यूजुअली. तो आप मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि यार इसके काम हमने क्यों ले लिए, इरिटेशन होती है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट आई गेस आपको हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ इनफैक्ट हुआ नहीं, था नहीं बिल्कुल नहीं हुआ था बट एनीवे प्रीति जी आपसे ये बातें ये गुफ्तगू जारी रहेंगी, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. So viewers, it's now time for me to slip into a short break, but please stay tuned because I'm in conversation with Preeti Sahoria Goswami and I'll be right back. Stay tuned. Welcome back viewers, you're watching Good Morning Northeast with me Debjyoti Das Gupta, and viewers, I'm still in conversation with Preeti Sahoria Goswami, a very renowned and a very very lovely and adorable interior designer. Okay Preeti ji, फिलहाल तो एक और चीज़ जो है लैंडस्केपिंग की बात खैर हमने कर ली है और अब मुझे आप बताओ वास्तु का क्या रोल है एक घर के लिए? वास्तु मेरे लिए वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है, आई फॉलो वास्तु. नहीं आपसे पहले मैं ये चीज़ शायद ये बहुत गलत सवाल होंगी आपसे, क्या वास्तु सच्ची में या हकीकत में कुछ इम्पोर्टेंस रखती है अपने घर पे? वास्तु अभी का जैसे आपने बोला इट्स नॉट प्रेजेंट सम प्रेजेंट फॉर्मूला और समथिंग लाइक दैट, इट्स ये एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है. ओके तो पहले घर आपने ध्यान दिया होगा, पहले घर वास्तु के हिसाब से बनाते थे. अच्छा अभी जाके वो पहले वास्तु क्या है नहीं समझ में आते थे किसी को, लेकिन अभी जैसे लोगों को वास्तु फॉलो करना है, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल हो गया और जैसे एक नाम मिल गया जैसे वास्तु के हिसाब से ही हमको घर बनाना है. जैसे आप वास्तु में बहुत डीपली फॉलो करती हूँ क्योंकि इनफैक्ट ये बहुत मायने रखते हैं, मतलब इट्स हैव अ साइंटिफिक रीजन. साइंटिफिक रीजन? हाँ ओके, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन. मैं एक दो पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ.
जैसे आप कभी घर बनाने से नॉर्थ ईस्ट जो पॉइंट है वेरी ऑस्पिशियस मतलब कॉर्नर है, हाँ, तो उसमें आप कभी जैसे मंदिर जो टेंपल मंदिर है घर का अंदर का मंदिर, ट्राई टू प्लेस दैट थिंग इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, या तो आपका मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट हो तब भी इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. उसी हिसाब से है काफ़ी सारे डायरेक्शन है व्हिच वी यूजुअली फॉलो और मानना चाहिए लोगों को. एक और चीज़ यहाँ पे जो है, अब जैसे कि हो चला है लोगों को उनको एक घर जो होता है वो थोड़े सस्ते में थोड़े कम बजट में अच्छा दिखना वाला चाहिए, तो आप कैसे सजेस्ट करते हो यूजुअली क्लाइंट्स को? कम जैसे हम लोग सबसे पहले उनका जो फर्नीचर है अगर एग्जिस्टिंग फर्नीचर है तो उनका प्लेसमेंट बताते हैं. सॉफ्ट फर्निशिंग से आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, लाइक कर्टेंस हो गया, आपका बेडशीट, बेड कवर, कारपेट्स एंड फ्लावर्स, उसी एक थीम में ले जाके. सपोज यू वांट टू मेक योर ड्राइंग रूम येलो एंड ग्रे थीम, तो आपने एक कंप्लीट ड्राइंग रूम को एक उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ कम सस्ते में विदाउट पुटिंग कॉस्टलीस्ट मतलब कोई शोपीस हो गया वो सब जरूरत नहीं है. कोई कुशंस हो गया, फ्यू कुशंस लाइक फ्यू फ्लावर्स सेम कॉम्बिनेशन का वैसे आप कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो है, घर की जो एक टेक्सचर होती है अंदर की माहौल जो होती है, वहाँ पे लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ के जो कलर कॉम्बिनेशंस होती है, तो ये सारी चीजें भी लोगों के मेंटल इफेक्ट्स में बहुत ज्यादा हावी पड़ती है कभी कभार. तो खास करके चलो बड़ों का भी दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बट देन एक बच्चे के लिए जब वो उसकी जब बढ़ती उम्र में उसका रूम जो होता है वो बहुत कूल होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए, लाइवली होनी चाहिए. तो आप यूजुअली कौन से क्या करते हो आप उस चीज को नजर रखते हो? सॉरी, इट डिपेंड्स. लाइक अगर कोई किड है बॉय तो आई सजेस्ट लाइट स्काई ब्लू, ओके, ग्रे, और अगर गर्ल है तो पिंक इज ऑलवेज फेवरेट फॉर गर्ल्स. पिंक के अलावा येलो, बट आजकल के जमाने में जितनी भी लोगों से मैंने बात, they don't like pink. आजकल in fact मैंने रस्ते में kids, okay kids, not the elderly, teenagers लोग बच्चे भी नहीं like करते हैं आजकल. They like ना बच्चे like करते हैं pink, okay. I suggest pink, red, not red exactly, light, soft, warm colors. Warm colors. अच्छा, ये colors के साथ जो ये एक तालमेल होती है घर की, इसका कुछ scientific reason है या ये psychological है? इसमें भी आप वास्तु कह सकते हैं. इसमें भी वास्तु आता है. एग्जैक्टली, जैसे आपका साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो आपको हमेशा वार्म कलर रहना चाहिए, लाइक ऑरेंज, रेड, मैरून, ब्राउन, क्योंकि इट्स अ प्लेस ऑफ लाइक आर्ट, हैवी स्पेस होता है, उसमें मास्टर बेडरूम होना चाहिए. तो एवरी कॉर्नर है मतलब अपना अपना एक कलर होता है. नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली हम लोग ब्लू सजेस्ट करते हैं. ओके, अच्छा प्रीति जी, फिलहाल तो आप मुझे ये बताइए, आपने कई सारे काम किए हुए हैं अब तक. इनफैक्ट मैं कुछ ही दिन पहले आपके सारे तस्वीरें देख रहा था और यू हैव बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली. जैसे कि आपने बताया 2005 से आपने काम शुरुआत की है, तो आई गेस ये 14 साल हो गया आपको. बताइए जरा हमें काम के बारे में अपने. Mostly I do all works like residential, commercial, hotels. Commercial में आपका जैसे hotels आ गया, restaurant आ गया, clinics आ गए, dental clinic. फिर मैंने दो तीन मतलब कई सारे government projects भी किया है. Recently I have completed आपका अनुराग गोयल जी जो है, आपका कौर भवन का जो उनका कमिश्नर, उनका ऑफिस का डिजाइनिंग किया है मैंने. दैट्स ग्रेट. एंड सेक्रेटरीट में भी एक दो कमिश्नर का डिजाइन, ऑफिस का डिजाइनिंग किया है. मतलब यानी कि हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर्स और नो बोथ, आई डू बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. इट्स जस्ट पैरेलल गोइंग पैरेलल. तो आई ऑन दिस नोट आपके कुछ कामों की तस्वीर हम मॉनिटर्स पे देख लेते हैं. Chalo, viewers, there is some exclusive visuals that we would like to present, of course, by Preeti Sohoria Goswami, the kind of work that she has been doing. So have a look at this.
ऑलराइट, सो हमने देखे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विजुअल्स हमारे साथ शेयर की, और इनफैक्ट सारे देख के तो ऐसे लग रहे थे कि आप इंशाल्लाह आप और तरक्की करें, और आप थोड़ा सा हमें भी धनलक्ष्मी हमारे ऊपर भी बरसाओ आप. बट एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी. और प्रीति जी इनफैक्ट फिलहाल तो हम चाहेंगे कि आप एक क्लोज लुक रखें हमारे कैमरे के साथ. आप हमें, हमारे सारे दर्शकों को बताइए अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो, क्योंकि आपके सारे विजुअल्स हमने दिखाए एंड आई एम श्योर कि सारे विजुअल्स दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी. कैसे कॉन्टैक्ट करें, आपके एड्रेस बताइए. यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई मोबाइल नंबर्स 8473889841, और मेरा ऑफिस इट्स इन 6 माइल, 3rd फ्लोर, एक्सिस बैंक बिल्डिंग, बिसाइड नयनतारा सुपर मार्केट. थैंक यू. और अगर if there's anyone who wants to get in touch with her, who wants to contact her and have not really got her number, you can also reach her on Facebook. She's always there on Facebook. She's Preeti Sohoria Goswami. She's there. You can just drop her direct message and she would definitely certainly revert to that message. But anyway, Preeti ji, bahut 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 shukriya ki aap aayi hamare saath. Thank you. And in fact, bahut late se hi sahi, but aap बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है. थैंक यू. यू आर वेलकम. एंड सेइंग दिस, डियर व्यूअर्स, इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू रैप अप दिस एडिशन ऑफ गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट. बट स्टे ट्यून्ड विद नॉर्थ ईस्ट लाइव फॉर मोर अपडेटेड एंड फ्रेशली ब्रूड कंटेंट्स. थैंक यू.